सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। चार स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्र अधर्मश्च चतुर्विधः। ये चार स्थान कि चार जगहों पर तुम रहो, जहां जुआ खेला जाता हो, सट्टे बट्टे जो लगाए जाते हैं जुआले में, शराब खाने में जहां मदिरा पी जाती हो, मैखाना मधुशाला, वहां तुम रहो। जहां परिस्त्री गमन होता हो, ऐसी जगहों पर तुम रहो। और जहां हिंसा हो रही हो, मर्डर कत्ल हिंसा, वहां तुम रहो। ये चार जगहों पर कलयुग को रहने के लिए कहा। तो कलयुग ने कहा कि मालिक, इन चार जगहों पर तो मैं पहले से ही हूं, कोई नया स्थान बताओ ना, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है साहब। तो राजा परीक्षित ने उसके ऊपर दया करके एक और अच्छा स्थान दिया, सुवर्ण सोने में तुम्हारा वास, गोल्ड। लेकिन इस सोने में तो माता लक्ष्मी होती है। तो एक संत ने बहुत अच्छा अर्थ दिया कि नीति पूर्वक जो धन कमाया गया है उसमें तो लक्ष्मी है, लेकिन अनीति पूर्वक जो धन आएगा उसमें लक्ष्मी नहीं, उसमें कलयुग रहता है। अनीति पूर्वक धन में, दो नंबर के ब्लैक मनी में कलयुग होता है। और एक दिन राजा परीक्षित ने भूल कर दी, अपने बाबाओं का खजाना खोला, एक मुकुट दिखाई दिया उसमें। वो मुकुट परीक्षित को पता न था, जरासंध का था। जब भीम ने जरासंध को मारा था तो उसकी सारी संपत्ति के साथ उसका मुकुट भी लेकर के आए थे, और जरासंध दुष्ट था, उसके पास नीति पूर्वक धन तो था नहीं, अनीति पूर्वक धन था। राजा परीक्षित ने वो मुकुट धारण किया और धारण करते ही कलयुग आकर उसमें बैठ गए। और आज राजा परीक्षित से को भूल हो गई, शिकार करने गए थे, बहुत दूर निकल गए थे, और जब लौटने लगे तो दिन भर के थके हारे भूखे प्यासे, शाम होने चली है, एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। सोचा कि चलो यहां जलपान कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आश्रम में गए तो वहां सारे महात्मा लोग ध्यानस्थ बैठे हुए थे, गायत्री मंत्र का जाप चल रहा था। राजा परीक्षित को देखकर कोई खड़ा न हुआ, किसी ने सम्मान न किया। इस बात से राजा परीक्षित को बड़ा बुरा लगा, और सिर पर कलयुग बैठा था। राजा परीक्षित नाराज होकर के गालियां देने लगे, अपशब्द बोलने लगे, महात्माओं को बहुत भला बुरा कहा, और इतने से भी मन नहीं माना तो एक सर्प को मारकर शमीक मुनि के गले में लगा दिया, एक संत का अपमान किया। राजा परीक्षित ने क्रोध में आकर एक संत का अपमान किया, आश्रम पर चले आए। तब एक शिष्य ने जाकर शमीक मुनि के पुत्र को बता दिया, श्रृंगी को, कि श्रृंगी, आश्रम में आज एक राजा ने आकर तुम्हारे पिता का अपमान किया, फूल माला की जगह एक मरा हुआ सर्प उनके गले में पहना कर गया। और श्रृंगी जुबान था, जैसे ही सुना कि राजा ने कृत्य किया, और क्रोध में आकर के श्रृंगी ने यह भी न सोचा कि राजा कौन था, कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और मंत्रित करते हुए छोड़ते हुए श्राप दे दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, जिस किसी राजा ने कृत्य किया है आज के सातवें दिन तक्षक नाक के डसने से उस राजा की मृत्यु होगी, श्राप दे दिया। आश्रम में आए, शमीक मुनि के सामने श्रृंगी आकर के रोने लगा। शमीक ने पूछा, बेटे क्या बात,
क्यों रो रहे हो? तो श्रृंगी ने कहा कि पिताजी, एक राजा ने आपका अपमान किया, आश्रम के सभी लोग दुखी, आप उस वक्त ध्यान में बैठे थे। शमीक ने कहा, पुत्र कौन था वो राजा? श्रृंगी ने कहा कि जो भी हो पिताजी, मैंने उसको दंड दे दिया है, श्राप दे दिया है, आज के सातवें दिन उस दुष्ट को भी तक्षक नाग डसेगा और मरेगा वो। शमीक ने कहा, क्या तुमने श्राप दे दिया? कौन था वो, पता किया तूने? बोले जो भी हो। तब शमीक मुनि ने ध्यान किया और ध्यान में ध्यान करते ही उनको दिखाई पड़ गया वो राजा कोई और नहीं, राजा परीक्षित थे। परीक्षित को देखते ही शमीक मुनि घबरा गए, अरे पुत्र ये क्या किया तूने? तुझे पता है वो राजा कौन था? अपना लाडला राजा परीक्षित था वो, एक छोटी सी गलती क्या कर दी तू इतना नाराज हो गया? कितनी सेवा करता था संतों की, क्या भूल गया? रोज आकर के आश्रम में फूल की माला पहनाता था, एक दिन सर्प की माला पहना दिया, इतने नाराज हो गए? रोज आकर स्तुति करता था, एक दिन गाली क्या दे दी, इतने नाराज हो गए? ये अच्छा नहीं किया पुत्र। और हम साधु हैं बेटे, साधु का स्वभाव है सहन करना, बूंद अघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सही जैसे। जैसे बूंद की अघात को पर्वत सहन करते हैं ना, ऐसे दुष्टों की वाणी को साधुजन सहन करते हैं। संतों का स्वभाव है सहन करना। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनः, ये साधु का स्वभाव है जो सहन करे। प्रतिकार का सामर्थ्य होने पर भी जो सहन करता है वो साधु। ये तुमने अच्छा नहीं किया पुत्र। शमीक मुनि ने श्रृंगी को डांट लगाई और यहां शाम हुई। राजा परीक्षित जब अपने महल में आए और वो मुकुट उतारा, तब राजा परीक्षित को भी सद्बुद्धि आई और तब राजा परीक्षित को होश आया कि ओहो, मैंने आज ये क्या अपराध कर दिया, एक महात्मा को मैंने गाली दी, मरा हुआ सर्प पहनाया। राजा परीक्षित फूट फूट कर रोने लगे। भगवान के मंदिर में जाकर राजा परीक्षित हिलकियों से रोने लगे, गोविंद मुझे क्षमा करना प्रभु, ये मुझसे क्या भूल हो गई, ये मुझसे क्या अपराध हो गया, जो हाथ मेरे महात्माओं के चरण स्पर्श किया करते थे आज इन्हीं हाथों से मैंने मरा हुआ सर्प पहनाया। जो हमारी जिह्वा महात्माओं की सदैव स्तुति करती थी आज मैंने इस जिह्वा से गाली दी, मैंने अपने कुल में कलंक लगा दिया, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करना। रो रहे हैं राजा परीक्षित। इतने में द्वार पर एक संत आए, शमीक के शिष्य हैं वो, गौरमुख आकर कहा कि राजन, गुरुदेव ने मुझे भेजा है ये बताने के लिए कि गुरुपुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, श्रृंगी ने, आज के सातवें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु होगी, आपके पास सात दिन बचे हैं राजन, मुक्ति का कोई उपाय करना है तो आप कर लीजिए। ये सुनते ही राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये मेरे साथ न्याय नहीं है, ये अन्याय है, सात दिन में मौत, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मालिक मुझे सात मिनट भी जीने का अधिकार नहीं है, सात दिन मुझे क्यों छोड़ा, मैं सात दिन जीना नहीं चाहता प्रभु, आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया,
मेरे कुल में महात्माओं का सम्मान हुआ करता था और मैंने अपमान किया। क्या सोचते होंगे मेरे पितामह। लेकिन तब राजा परीक्षित ने सोचा कि लोगों की जिंदगी के तो 7 मिनट भी कंफर्म नहीं होते, अगले पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है। एक तो कृपा कर दी है महात्मा ने, 7 दिन तक अब मैं मरूंगा नहीं ये निश्चित है। और तब राजा परीक्षित ने एक क्षण भी बर्बाद न किया, अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को गद्दी दिया और सब कुछ त्याग कर गंगा के तीर पर चले गए। राजा परीक्षित के 7 दिन कन्फर्म थे, हाँ ध्यान देना, और हमारे आपके जीवन के तो 7 मिनट भी कन्फर्म नहीं है। तो हमें तो राजा परीक्षित से ज्यादा सावधान होना चाहिए ना। एक पल की आशा नहीं, और हम कल की बातें करते हैं, कल ऐसा करेंगे, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे। अरे एक पल की तो आशा है नहीं साहब। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।